सीओ सिटी चले गए। उसके बाद वहाँ जो चौकी इंचार्ज था, उस चौकी इंचार्ज ने उनके पास में लोग भेजे, उन्होंने कहा कि कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। और दूसरे दिन भी 22 दिनों तक वहाँ पर दुकानें बंद रही, 22 दिनों तक। और 22 दिनों तक वो लोग बहुत, आज की तारीख में भी वहाँ पर लोग बहुत असुरक्षित हैं। बिल्कुल बच्चों से जब हमने बात करी तो बच्चे बहुत डरे हुए थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है, शर्म की बात है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी इतने डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा, दीदी क्या आप जानती हैं कि महात्मा गांधी मुसलमान थे? तो मैंने बोला कि नहीं, महात्मा गांधी मुसलमान तो नहीं थे, तुमको किसने कहा? क्योंकि वो ईश्वर अल्लाह बोलते हैं, वो अल्लाह क्यों? अच्छा, उन्होंने बहुत ही उससे बोला असम्मान से कि वो अल्लाह क्यों बोलता था, अल्लाह का मतलब वो हमारे भगवान को और उसको भगवान को एक साथ कर दिया। तो मैंने बोला कि ये तुमको किसने बताया? उन्होंने बोला कि क्यों, हम तो रोज व्हाट्सएप में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और ज़मीनों के बारे में भी बात हुई, महिलाओं ने कहा कि हमारी ज़मीनें हथियार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर एक क्रिश्चियन स्कूल खुला हुआ है और उसमें वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम लोगों में से कितनों का धर्म परिवर्तन हुआ है? तो उन्होंने कहा किसी का नहीं। गीता जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम करीब 2 दिन वहां रही उस छोटे से कस्बे में, तो आखिरकार आप लोगों ने सबसे पहली वह क्या चीज पाई जो देश को आप बताना चाहिए? हम लोग सबसे पहले गांव में गए और गांव में जाकर के हमने वहां पर कुछ सक्रिय महिलाओं से, जो महिलाएं उस पूरे दौरान वहां पर मौजूद थी और उस वहां पर उन्होंने पूरी तरह से भागीदारी भी ली थी, उन लोगों से बात करने के लिए हम लोगों ने उनसे उनको कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो लगभग 35 के लगभग महिलाएं आ गई थी, क्योंकि मैंने वहां पर पहले महिला समाखे में काम किया हुआ है तो जान पहचान तो बहुत है, तो महिलाओं को बुलाना और उनसे बात करना बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो महिलाओं के साथ जब बात करी तो महिलाओं ने बहुत ही साफ साफ कहा कि जब उनको एक लड़की के बारे में पता चला कि इस तरह से एक लड़की को वहां से दो लड़के ले जा रहे हैं और उस लड़की के मारे वहां पर बवाल हो रहा है, तो इनको बहुत लगा और ये लोग वहां पर गई। पर जब ये वहां पर गई तो इनको मामला कुछ और ही लगा। इनको लगा कि लड़की का मामला तो जो है सो है, वो तो लड़की वहां पर मौजूद थी और वो लड़के भी दोनों मौजूद थे, मगर उस मामले को दूसरा रंग, सांप्रदायिक रंग दिया गया और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो पुरोला के रहने वाले नहीं थे, बाहर के लोग वहां पर मौजूद थे। और उन लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई थी, जो एप्लीकेशन में गलत सूचना थी, उसमें लड़की जो दो लड़के थे जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो उस लड़की को भगा के ले जा रहे थे, उनमें एक लड़का था हिंदू सैनी लड़का था और एक लड़का मुसलमान था उवैद करके, तो उसमें मुसलमान लड़के को ज्यादा फोकस किया गया था और हिंदू सैनी लड़के का नाम हटा दिया गया था। तो इन लोगों ने इस बात पर बहुत विरोध दर्ज करा कि जो बात सही है उसको आप वहां पर कहिए, अगर वो दोनों शामिल हैं तो दोनों की बात आनी चाहिए। और उसके बाद उन लोगों ने वहां पर उसके मामा को बुलाया गया, फिर उसके मामा ने वहां पर पूरा दखल अंदाजी करी और कहा कि जो बात सही है वो बात पुलिस के पास जानी चाहिए। और उन्होंने, उसके मामा ने जो एप्लीकेशन दी उसमें दोनों लड़कों के नंबर थे। उसके मामा ये भी चाहते थे कि उन दोनों लड़के माफी मांग लें, लेकिन उन दोनों लड़कों ने भी, अब क्या हुआ पता नहीं, दबाव रहा क्या रहा, उन्होंने फिर उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी और फिर वो दोनों लड़के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने उन दोनों, उन महिलाओं का साफ साफ कहना था कि बाजार के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया गया वो माहौल बिल्कुल अलग माहौल था, उस तरह से कभी भी पहले एक तरह की, एक जो व्यापार संघ था उस व्यापार संघ के अंदर और जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके अंदर ये बात तो थी कि बहुत सारे लोग बाहर के, उसमें बाहर के लोगों में तो हिंदू भी हैं, हिंदू भी वहां पर आके बिजनेस करने के लिए अपनी दुकानें खोलते हैं, अपने बिजनेस चल के लिए करते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग भी थे जो आए थे। और पुरोला की जो, जब हमारी व्यापार संघ के अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से नहीं सचिव से, तो उन्होंने कहा कि पुरोला में पहले जो दुकानें थी वो दुकानें 100 रही होंगी, तो 10,000 जो कंज्यूमर रहे होंगे, जो कस्टमर रहे होंगे, अब दुकानें 2,000 हो गई हैं और कस्टमर मुश्किल से 20,000 हुए हैं। तो उसके कारण जो है उनको बहुत शिकायतें थी कि बाहर के लोग वहां पर आ रहे हैं और बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, और खास तौर पे वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो वहां पर कपड़ा बेचने का काम करते हैं, जो रेडीमेड कपड़ा, उसके अलावा वो लोग सब्जी फल फर्नीचर की दुकानें बढ़ई का काम करते हैं, तो उस तरह के काम करने के लिए बिहार से भी 200-250 मजदूर वहां पर थे जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो इस तरह की बात थी। और उसके, उनके खिलाफ बकायदा एक माहौल बहुत पहले से बन रहा था, 6-7 महीने पहले वहां पर एक
भागवत की गई थी, और उस भागवत में एक दर्शन भारती करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जाकर के हेट स्पीच एक तरह से दी थी और वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया था। पुलिस की नजरों में ये पूरी बात थी और पुलिस ने उस समय कोई कार्यवाही उस समय नहीं करी, और बाकी जो हिंदू संगठन है उन संगठनों ने मिलकर वहां पर इस तरह के बवाल, वो पूरा का पूरा प्री प्लान था और वहां पर रोक दिया गया उस बहाने से। और फिर उसके बाद में बाजार बंद करवाए गए। फिर हम लोग ने महिलाओं से बात करी, महिलाओं को बहुत साफ, एक महिला जो थी उनका ये कहना था कि क्या आप जानती हैं, वो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बहुत समझदार महिला थी और महिला को मैं बहुत साल से जानती थी। उन्होंने कहा, दीदी क्या आप जानती हैं कि महात्मा गांधी मुसलमान थी? तो मैंने बोला कि नहीं, महात्मा गांधी मुसलमान तो नहीं थे, तुमको किसने कहा? क्योंकि वो ईश्वर अल्लाह बोलते हैं, वो अल्लाह क्यों? अच्छा, उन्होंने बहुत ही उससे बोला असम्मान से कि वो अल्लाह क्यों बोलता था, अल्लाह का मतलब वो हमारे भगवान को और उसको भगवान को एक साथ कर दिया। तो मैंने बोला कि ये तुमको किसने बताया? उन्होंने बोला कि क्यों, हम तो रोज व्हाट्सएप में ये सब चीजें पढ़ते हैं, माने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचार, वो महिलाएं जो महिलाएं बिल्कुल निरक्षर थी और कई सालों रह करके हमने वहां पर एक कार्यक्रम के अंतर्गत उनको साक्षरता कैंपों से जोड़ करके लिखना पढ़ना सिखाया, आज वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के काम आ रही है। ये हमारे लिए बहुत उसकी बात है, मतलब हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए या जो भी कहिए। तो ये सब बातें थी, और उन महिला ने ये भी सुगीता कहा जी, कि आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही, छोटे छोटे में थोड़ा उस पर साफ करते चलते हैं। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही, एक तो ये जो कि हमारा पाठक दर्शक जानना चाहेगा कि लड़की के मामा चाहते थे कि लड़के सुलह कर लें, लेकिन किसी वजह से उनकी सुलह नहीं हो पाई। दूसरी बात व्यापार मंडल के सचिव के हवाले से आपने कही, वो ये कही कि आज से कुछ साल पहले तक 10,000 कंज्यूमर थे और 100 दुकानें, अब कंज्यूमर 20,000 हैं और दुकानों की संख्या 2,000। यानी जो आपसी टकराहट है हिंदू मुसलमान या मैदान बनाम पहाड़ी का, इन सांप्रदायिक तमाम माहौल के बीच उसका कारण रोजगार भी है, और रोजगार के मुकाबले वैमनस्यता के जरिए जो है उनको हटाने की एक कोशिश है, ये बात भी निकल कर आई है। केवल रोजगार नहीं है, रोजगार के बहाने सांप्रदायिकता है। क्योंकि वहां पर जमीनों के बारे में भी बात हुई, महिलाओं ने कहा कि हमारी जमीनें हथियार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर एक क्रिश्चियन स्कूल खुला हुआ है और उसमें वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम लोगों में से कितनों का धर्म परिवर्तन हुआ है? तो उन्होंने कहा किसी का नहीं। तो मैंने पूछा कि जमीन किसने बेची? कि हमने बेची, हमारे लोगों ने बेची। तो मैंने पूछा उस स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे किसके पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं। तो फिर बात ये थी, और क्रिश्चियनों के जो ईसाइयों के ऊपर भी उनका बहुत ज्यादा आक्रोश था कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि धर्म परिवर्तन किसका हुआ है, ये नहीं पता, पर करते हैं क्योंकि उनको सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं। और मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल बनाया गया, और आजीविका को उससे, क्योंकि जब भी वो मुसलमानों के, कहीं भी आप देखिए मुस्लिम के खिलाफ जब माहौल बनाते हैं, वो सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं, तो सबसे पहले उनकी आजीविका पे जो वार करते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ कि उनकी दुकानें हैं, उनके रेडीमेड की दुकानें, वो एक, हम वहां पर बाले खां करके हमारे एक बहुत पुराने भाई हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानती भी थी, मैंने कहा भी कि वो वहां पर है। उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे कोई बातें नहीं थी, यहाँ पर मैं 45-50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे शादी ब्याह सब रिश्ते नाते यहाँ हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की बात मेरे साथ पहली बार हुई है कि रमजान के टाइम पर वो लोग सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, तो सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने छत पे नमाज पढ़ने के लिए लोगों को परमिशन ली बकायदा, क्योंकि वहां पर कोई मस्जिद तो है नहीं, तो उन्होंने बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली और परमिशन लेके नमाज पढ़ी है। लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी उस समय रमजान के टाइम पर, अचानक उनको ये आपत्ति होने लगी कि मैं वहां पर मुसलमानों का लीडर बन गया हूँ और मैं उनको सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ाने का काम करता हूँ। तो हमने उनसे कहा लोगों से कि सामूहिक तौर पर पूजा तो हम भी करते हैं, हम सुंदरकांड करते हैं, हम रामायण करते हैं, हम देवी पूजा करते हैं, हम जगराते करते हैं, हम बहुत सारे कथा सत्यनारायण की करते हैं, तो सामूहिक पूजाओं का रिवाज तो हर धर्म में है, तो क्या दिक्कत है उनके सामूहिक पूजा करने में? मगर उनको केवल क्योंकि उनको एक सांप्रदायिक माहौल बनाना है, क्योंकि उनको मुस्लिम को टारगेट करना है, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है, क्योंकि उनको इस बार पुरोला में बकरीद के मौके पर मुस्लिम लोग नमाज नहीं पढ़ पाए अपनी छतों पर भी। जी जी बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि वहां यह सब जब हो रहा था
तो फैक्ट फाइंडिंग टीम का एक हिस्सा होता है जब वह पुलिस की भूमिका पर बात करती है। चूंकि राज्य प्रशासन का हिस्सा है, लोग अगर जब सांप्रदायिक होते हैं तो स्टेट का यही काम होता है कि वह न्यूट्रल अपने स्थिति में बना रहता है, और इसीलिए लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर होता है। क्या ये स्थितियां वहां दिखाई दी कि पुलिस न्यूट्रल थी और अपना काम कर रही थी, या पुलिस भी वीएन राय के शब्दों में अगर कहें पूर्व आईपीएस, तो वो सांप्रदायिक हो गई? बेसिकली जिस दिन पहला दिन उन्होंने जुलूस निकाला, उस दिन उन्होंने जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके घर के आगे बहुत अश्लील नारेबाजी करी और पुलिस देखती रही, पुलिस ने कुछ नहीं करा। लेकिन उसके बाद जब चारों तरफ से दबाव पड़ा और दूसरे दिन भी दुकानें बंद हो गई, जो वहां पर जो कुछ लोग थे मुस्लिम, वो वहां जो सीओ सिटी थे उनके पास गए, वो बड़कोट में रहते हैं, उनके पास गए और उनसे कहा कि देखिए हमारी दुकानें इस तरह से बंद हैं और इस तरह से हमको बहुत खतरा है, हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, हमारी महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, हम लोग सब बहुत डरे हुए हैं, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जबकि हम कई सालों से यहाँ रहते हैं। तो सीओ सिटी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं पुलिस भेजूंगा वहां पर। लेकिन उनका ये कहना था कि सीओ सिटी चले गए, उसके बाद वहां जो चौकी इंचार्ज था उस चौकी इंचार्ज ने उनके पास में लोग भेजे, उन्होंने कहा कि कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। और दूसरे दिन भी 22 दिनों तक वहां पर दुकानें बंद रही, 22 दिनों तक। और 22 दिनों तक वो लोग बहुत, आज की तारीख में भी वहां पर लोग बहुत असुरक्षित हैं। बिल्कुल बच्चों से जब हमने बात करी तो बच्चे बहुत डरे हुए थे, मैं ये बहुत आश्चर्य की बात है, शर्म की बात है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी इतने डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। और उसके अलावा हमने जब एसडीएम से बात करी, हम जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने गए थे, वो वहां नहीं थे, तो जब हम एसडीएम के पास गए तो एसडीएम का ये साफ कहना था, शुरू शुरू में उनको उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरह से, मतलब उन्होंने बात तो करी, बुलाया हमको, लेकिन वो हमसे बहुत, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी वो पूरी पुलिस की है और कोई यहाँ पर कोई घपला नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई, उन्होंने बहुत साफ कहा। लेकिन जब हमने, मैंने मतलब हम लोगों ने अपना परिचय दिया और हमने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर लगातार आते हैं, कई सालों से ये करते हैं, काम करते हैं, फिर सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा ये कि हाँ एक दिन जरा सा कुछ हुआ था लेकिन अब कुछ नहीं है, पुलिस ने उनको, उन्होंने, हमने उनसे कहा कि अल्टीमेट जिम्मेदारी तो आपकी है, आप हैं उसके जिम्मेदार है ना, लेकिन आप, उन्होंने कहा नहीं पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस अपनी काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, जबकि पहले दिन पुलिस ने कोई काम नहीं किया। अब तो वहां पर बहुत पुलिस थी जब हम लोग गए अब और आप वो लोग जब लोग, एस डीएम साहब से मिली तो राजस्व की जिम्मेदारी उनकी है, तो ये जो क्षति हुई है उस समाज को, 22 दिन दुकानें बंद रही हैं, लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, दहशत है, इसकी भरपाई के लिए सरकार के लेवल पर क्या पहल हुई है और पुलिस प्रशासन ने क्या किया है, और एस डीएम साहब ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की या क्या मदद दी है? एसडीएम साहब ने तो साफ कह दिया कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है, तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और उन्होंने उस भरपाई के लिए प्रशासनिक तौर पे क्या किया है इसके बारे में उन्होंने कोई बात हमको नहीं बताई। लेकिन पुलिस अभी जो, जब हम गए थे तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पुलिस थी, जब हमने पूछा कि शांति यहाँ पर इतनी अच्छी है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ सब शांत है तो पुलिस क्यों घूम रही है बाजार में, तो उन्होंने कहा चौकी में तो 150 पुलिस वाले रहते ही है ना, तो वो सौ अपनी पचास चौकी पर जी हाँ चौकी पर, तो उन्होंने कहा कि वो तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, जबकि वो यात्रा रूट नहीं है, वो टूरिज्म के लिए वो रूट है, एक हर की दूना उधर जाने के लिए, लेकिन वो यात्रा रूट नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि वो पूरे के पूरे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हैं, और मतलब उन्होंने बात तो बहुत अच्छी करी हमको, हमसे, लेकिन उनकी बात करने का लब लुआब ये था जो मैं आपको बता रही हूँ, और उन्होंने बिल्कुल इस बारे में नहीं बताई कि उन्होंने क्या भरपाई करी। अब उन्होंने कहा कि दुकानें खुल गई हैं, दुकानें चल रही हैं। हमने वाले खां भाई से पूछा कि आपकी दुकानों में या जो जो और बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं वहां पर, उन्होंने, दो परिवार ऐसे थे जो वहां से पूरी टोटली अपना सामान लेके चले गए थे, बाकी परिवार वहीं पर थे और कर रहे थे, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनकी दुकानों पे, उनके बिजनेस पे बहुत असर नहीं, वाले खां भाई के बिजनेस पे बहुत असर नहीं पड़ा, उन्होंने कहा मेरे बिजनेस पे असर नहीं पड़ा, मेरे तो जो कस्टमर थे वो हैं लेकिन मतलब बाकी ये लोगों के है कि बिजनेस। हिंदू ही दुकान, हिंदू लोग जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं हुई है? जी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन एक को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पर एक दूसरे भाई बैठे हुए थे जिनकी शक्ल से इतना असुरक्षा, इतना डर, उन्होंने कुछ नहीं बोला एक शब्द भी, हमने उनसे बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं क्योंकि हमको समझ नहीं, हम बहुत अंदर से बहुत आ, आ, दुखी हो रहे थे और हम उनसे हमसे उनसे पूछना हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बहुत उदास, बहुत निराश बैठे हुए थे, वो भी कुछ बिजनेस करते होंगे, लेकिन सब्जी फलों की दुकानों में भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लोग खरीदारी कर रहे हैं लेकिन लोग तो डरे हुए अभी बहुत हैं। मैम जब आप
आप लोग 2 दिन वहां रही और जैसे जी हम लोग गए हुए थे वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सम्मेलन था। धारा 144 लगी, 19 तारीख को धारा 144 खत्म हुई, 26 तारीख को हम गए हुए हैं वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन था। हाँ ये है। तो बहुत असुरक्षित हैं लोग बाग, इस बात को लोग बहुत बार कह, महिलाएं भी बोल रही थी कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो बाहर के लोगों में तो हिंदू मुसलमान दोनों है ना। वहां पर एक जैन परिवार है जो सालों से, मुझे लगता है जैसे पुरोला बना होगा तब से वो वहां पर रहता है, उसके होटल हैं, उनके अपने खाने पीने के होटल हैं, उनका बिजनेस है, वो लोग तो आराम से रह रहे हैं, उन्होंने वहां जमीनें भी खरीदी हुई हैं, वहां के लोगों से उनकी शादी ब्याह भी हो गए हैं। अग्रवालों का एक परिवार था जिनकी वहीं शादी ब्याह हो गए थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो वहां पर लोकल स्थानीय स्तर पर वहां पर रम गए हैं। तो उनकी बात नहीं हो रही है, हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, जो माफिया लैंड माफिया है जो पूरी खूबसूरत वैली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जमीनें कब्जा रहे हैं, लैंड जिहाद करके बात हो रही है, वो केवल मुसलमानों की बात हो रही है, जी, मुस्लिम समुदाय की। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी गीता गैरोला, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड में, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग हाल ही में उरोला में फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गए थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि हालात क्या हैं। अभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग डरे हुए हैं। जाहिर तौर पर रोजी रोटी का सवाल होता है, तो कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं है कि कोई कहीं चला जाए। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत में आज भी अभी संविधान बदला नहीं है, और किसी को कहीं भी जाने आने का, रोजगार करने का, बसने का, और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। इसी अधिकार के तहत वहां लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पिन पॉइंट किया गीता गैरोला ने, वो ये कि वहां जैन परिवार है, अग्रवाल परिवार है, बिहार से आए हुए लोग हैं। अगर बाहरी का सवाल है तो लैंड माफियाओं पर भी सवाल उठनी चाहिए जो कि उस घाटी या उस वैली को लूट रहे हैं, न कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाना चाहिए। और जिस देश में जब मुसलमानों को यानी किसी खास समुदाय को टारगेट किया जाने लगेगा, तो जाहिर तौर पर सरकारों पर सवाल उठेंगे, और वह सवाल अब तो अमेरिका से भी उठने लगे हैं। ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं कि उनके यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अपराध होता है, वैमनस्यता फैलाई जाती है, या फिर वो कहते हैं कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है और सब कुछ कुशल है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।